अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमेरा आई के टाउनशिप से बोल रहा हूँ, शमशाबाद ए के टाउनशिप से। जो पर्सन लड़ाई हुई थी उसके लिए मैं जहांगीर भाई का नाम वायरल करी थी मारे बल के, तो उनको बुलाए थे ऐसे घर में। हमारे फैमिली मैटर मार ले रहे थे, लड़ ले रहे थे घर में, हमारे शोहर मेरे से लड़ रहे थे, मार रहे थे घर रहे थे, तो फ़ोन करके बुलाए उन्होंने जहांगीर भाई को। जहांगीर भाई आए थे, आए तो वो थोड़ा बहजम बहजी हो गई, मार तो इनको मारे, इनको मार के फिर मेरे को ही मारे, लड़े ज़्यादा नहीं बढ़ना बल्कि मारे गए थे। वो मैं गुस्से से क्या समझ के मारे के बल्कि मैं वो वीडियो वायरल कर दी थी। वहाँ के लीडर है वो काउंसलर साहब। ये लड़ाई की वजह क्या थी? ये लड़ाई की वजह घर बेचे, प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देते बल्कि बोले थे बच्चों का मेरा हक नहीं देते बोल रहे थे। हाँ, तो इसके लिए उन्होंने आए, उन्होंने आके जो भी है हिस्सा कर देंगे, करा देंगे। वो बातों में बहस हो गई थी, मारे थे। फिर वो करते कि नहीं कि मेरे बच्चों का हक में को मिलता कि नहीं कि बोल के, वो वीडियो वायरल हो गया। वो अभी हो गया जी? हाँ, अभी हो गया, सब कर दिए मेरे बच्चों का हक। आपके बच्चों का जी? हाँ, अभी अभी आए जहांगीर भाई, बातचीत हुई सब यहाँ पर, अफजल भाई लीडर काउंसलर साहब उन्हों और साले भाई और हुसैन भाई सब मिलके जो भी है हिस्से का बच्चों का जो भी है हक दिला दिए मेरे को। अभी मेरे बच्चों का हक मेरे को मिल गया, मिला नहीं अभी तो बातचीत हुई है, पेपर लिखाई पढ़ी हुई। अभी आप ये चीज़ से मुतमईन हैं? जी हाँ। TRS के काउंसलर साहब जहांगीर साहब हैं, उन शमशाबाद के रहने वाले, तो उनके ख़िलाफ़ जो वीडियो वायरल करी थी मैं, वो गुस्से से करी थी मैं, वो मारे बोल के। बाद में मेरे बच्चों का हक़ दिलाते या नहीं दिलाते नहीं बोल के, इसलिए मैं वायरल कर दी थी वो। अभी अभी आके वो सब लिखाई पढ़ाई हो गई, अभी मेरे बच्चों के हक़ के लिए लड़ी थी मैं, वो लिखाई पढ़ाई हो गई। यहाँ के काउंसलर साहब शाहीन नगर वादे मुस्तफ़ा के, अफजल काउंसलर साहब, लीडर साहब और साले भाई और हुसैन भाई साहब सब मिलके मेरे को मेरा हक मेरे बच्चों का दिलाने के लिए ज़िम्मेदारी ले लियो लोग। अब जहांगीर भाई से मेरे को कुछ भी गिला शिकवानी है, उन्होंने जो मेरे को मारे थे बड़े भाई समझ के मारे थे बोले, इसके लिए मैं उनको दिलो जान से माफ़ कर दी। उसके बाद